हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। जी हाँ, देखिए, भारत की अग्निपथ जो स्कीम है और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए हुआ, रसिया हुआ, चाइना, फ्रांस, इसराइल, देखिए वहाँ पर भी अग्निपथ जैसी जो स्कीम्स है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो डिफेंस फोर्सेस को हायर किया जाता है, देखिए उनका क्या स्टेटस है, वहाँ पे उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या डिफरेंस है भारत की अग्निपथ स्कीम में और जो दूसरे देशों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिफेंस फोर्सेस है उसमें क्या अंतर है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। आपको मैं यहाँ पर इन सभी कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो भी अच्छी अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, जो वहाँ की डिफेंस फोर्सेज है उनके बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिफेंस रखी गई है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि हमारे देश में जो अग्निपथ स्कीम है, जैसे ही उसको लॉन्च किया गया, देखिए उसके विरोध में पूरे देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने अब बोल दिया है कि भाई हम इसके तहत ये भर्ती लेंगे, तो अब उन प्रोटेस्ट का क्या मतलब रह जाता है और आखिर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी वजह कहाँ पे आके अटकती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे देश की जो अग्निपथ स्कीम है और जो अच्छे बड़े बड़े देश हैं उनकी जो यहाँ कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या अग्निपथ जैसी स्कीम्स है वहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अमेरिका के बारे में। देखिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखिए यहाँ पर लगभग 13 लाख सोल्जर्स ऐसे हैं जो एक्टिव मिलिट्री में हैं और 8 लाख सोल्जर्स ऐसे हैं जो रिज़र्व फोर्सेस में हैं। रिज़र्व फोर्सेस का मतलब आप बोल सकते हो कि जो अभी ट्रेनिंग किए हुए हैं, बाहर हैं, उनको अगर कुछ इनकेस एमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। रिक्रूटमेंट इज़ ऑन ए वॉलंटियरली बेसिस एंड देयर इज आर थाउजेंड्स ऑफ रिक्रूट्स स्टेशंस अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पर वो वॉलंटियर बेसिस, यानी जो आदमी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है और ना ही उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर जोड़े गए हैं। देखिए, हालांकि अगर मैं वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू या कोरिया के साथ जो वार हुआ, वियतनाम के साथ जो वार हुआ, अमरीका ने यहाँ पर कह सकते हैं इसको कॉन्स्क्रिप्शन कर दिया, यानी मैंडेटरी कर दिया था, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल मैन टू ज्वाइन मिलिट्री, यानी सभी को मिलिट्री ज्वाइन करना है। उस टाइम पे ये कंडीशंस ला दी गई थी। टुडे अमेरिका एनरोल्स पर्सनल फॉर 4 ईयर्स। देखिए, अमेरिका में भी देखिए जो एनरोल किए जाते हैं वो 4 साल के लिए किए जाते हैं, विच इज़ फॉलोड बाई ए 4 ईयर रिजर्व ड्यूटी। आप 4 साल यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज में रहिए, उसके बाद 4 साल आप सिविल में रहेंगे, लेकिन आप रिजर्व फोर्स के रूप में रहेंगे और उस रिजर्व फोर्स की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है अमेरिका को तो वो आपको रिकॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। सोल्जर्स आर एलिजिबल फॉर पेंशन इन द US आफ्टर सर्विंग फॉर 20 ईयर्स। देखिए, अगर आप अमेरिका फौज में हैं, अमेरिका की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो भी है, तो अगर आप 20 साल सर्विस कर देते हैं तो देखिए आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि जो बीच में सर्विस छोड़ते हैं या कह सकते हैं कि 20 साल से पहले या जिस जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं, देखिए उनके लिए पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। आर एलिजिबल फॉर सर्टेन अलाउंसेस एंड पर्क्स ऑन ए केस टू केस बेसिस, लेकिन उनको कुछ कह सकते हैं कि फ़ंड दिया जाता है, कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, लेकिन उनको पेंशन वहाँ पे नहीं दी जाती। हालांकि वहाँ पर जो देखिए एक पेंशन सिस्टम ऑलरेडी है, वहाँ पर सभी लोगों को पेंशन मिलती है। अब हम बात करते हैं रशिया के बारे में। देखिए, रशिया में भी जो हाइब्रिड मॉडल है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी चलाते हैं और जो कॉन्स्क्रिप्शन ही मैंडेटरी भी है और कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोनों यहाँ पर सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब है जो मैंडेटरी है, हैव ए टर्म ऑफ 1 ईयर एंड देन पुट इनटू रिजर्व। वहाँ पर 1 साल जो है मैंडेटरी है। एज ऑफ 2021 अगर मैं बात करूँ, ऑल मेल सिटीजन्स जो 18 साल से 27 साल के बीच में हैं उनको 1 साल के लिए एक्टिव आर्मी सर्विस ज्वाइन करनी होती है, उसके बाद वो रिजर्व फोर्स में रह जाते हैं। न्यू कॉन्स्क्रिप्ट्स अंडरगो अप टू 8 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर सेंट टू द डेजिग्नेटेड यूनिट्स। देखिए, उन जो कह सकते हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग कर लिए होते हैं उसमें से ही जो कुछ रिक्रूट्स हैं उनको यहाँ पर एक्टिव आर्मी के लिए एनरोल किया जाता है और उनकी फिर 8 महीने की ट्रेनिंग होती है और उनका मेडिकल वगैरह जो भी एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर उनको फिर किया जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं चाइना के बारे में। देखिए, एशिया में
दो मेन पावर्स हैं अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक है यहां पर चाइना और एक है इंडिया। तो देखिए दोनों आपस में नोकझोंक होती रहती है। तो देखिए चाइना भी क्या है, अपने यहां पे जो फोर्सेस है, जो मैन पावर है, वो रिड्यूस करके अपना फोकस टेक्नोलॉजी पर ला रहा है। तो वही काम यहां पर अग्निपथ के तहत इंडिया करने की सोच रहा है। तो देखिए जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल चाइनीज मेल अबव द एज ऑफ 18 साल से ऊपर के लिए सभी को, देखिए मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, यानी सभी को आर्मी आपको ज्वाइन करनी है। वहाँ का जो संविधान में जो आर्टिकल 55 है, 55 वो कहता है, इट इज़ सेक्रेट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना टू डिफेंड हिज और हर मदरलैंड एंड रेजिस्ट इन्वेशन। It is an honored obligation of the citizens of PLA to perform military service and join the military forces. तो अगर हम बात करें, देखिए वहाँ पर जो the term of service for conscripts is 3 years in the army and navy or air force की बात करें तो वहाँ पर देखिए 4 साल यहाँ पर mandatory है आपको सर्विस करना। और अगर voluntary की बात करें तो term of active service is 8 years and not more than 12 years, यानी 8 साल और 12 साल यहाँ पर आप सर्विस कर सकते हैं। मैक्सिमम 12 साल है, उसके बाद में आप सर्विस नहीं कर सकते हैं। इसराइल की बात करते हैं। देखिए इसराइल का काफ़ी जिक्र रहता है कि इसराइल ने अपने यहाँ पे ये कर दिया है, वो कर दिया। देखिए उनके यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, मैन पावर है, ऑलरेडी बहुत कम है। तो देखिए वहाँ पर उन सभी लोगों के लिए ये करना बहुत मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो देखिए कंट्रीज़ कॉन्सक्रिप्शन मॉडल हैज़ बीन इन प्लेस सिंस द कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस इन 1948। देखिए 1948 से वहाँ चला आ रहा है। जो वहाँ पर अरब सिटीजन्स हैं आर अलाउड टू एनलिस्ट वॉलेंट्री बेसिस, वो देखिए वॉलेंट्री बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। उनको कोई भी मैंडेशन नहीं है, कोई कंपल्सन उनके ऊपर नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ जो इसराइल के लोग हैं उनके लिए, आप देखेंगे तो दे मेल्स के लिए 30 महीने और फीमेल्स के लिए 24 महीने यहाँ पर वो सर्विस करना ज़रूरी है, अनलेस दे वॉलंटियर फॉर द ए यूनिट डैट रिक्वायर एडिशनल सर्विस टाइम। अगर कुछ आप उसमें एडिशनल चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये मिनिमम आपको यहाँ पर देना है। देखिए जो द इकोनॉमिक टाइप की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर देखें हम तो 10% ऑफ द कॉन्स्क्रिप्ट्स आर रिटेन्ड इन टू द आर्म्ड फोर्सेज। जो 10% सोल्जर्स होते हैं, जो कॉन्स्क्रिप्ट होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया जाता है, उसमें से उनको आर्म्ड फोर्स में रिटेन किया जाता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि 7 ईयर्स के लिए। और अगर वो 12 साल की सर्विस वहाँ पर कर लेते हैं तो देखिए वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं। हम बात करते हैं फ्रांस की। देखिए फ्रांस में क्या है, 2017 की जो एक सिप्री की रिपोर्ट है, वहाँ पर यूरोपीय यूनियन के अंदर फ्रांस जो है लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस वाला देश है। वहाँ पर देखिए अगर बात करें तो 2001 से पूरी तरह से जो मैंडेटरी थी फौज में भर्ती होना, वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें अभी भी द यूथ ऑफ फ्रांस जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑन ए वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, वो वॉलेंटरी भी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो वॉलेंटियर हैं उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जो 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सोल्जर्स आर गिवन ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ्स एंड दोज हु फॉर सर्व 19 ईयर्स आर एलिजिबल फॉर स्टेट पेंशन। देखिए जब वो 19 साल अगर सर्विस कर लेते हैं तो देखिए पेंशन के लिए वो हकदार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो जो भारत की अगर अग्निपथ योजना देखें तो देखिए इन सब का आपको मिला जुला सार लगेगा। देखिए जब भारत का संविधान बनाया गया था तो हमने विदेशों के से कुछ ना कुछ किसी संविधान से प्रस्तावना लिया, कहीं से आपात संबंध लिए, यानी कहीं ना कहीं से हमने कुछ ना कुछ उठाया। तो देखिए आप देखेंगे जो आपकी ये अग्निपथ स्कीम है ये भी कई चीज़ों का, कई राज्यों का, कई देशों का मिला जुला के एक बनाया गया, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उनको अगर हम देखें कि काफ़ी बेनिफिट मिलता है डिग्री लेने में, तो डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिया गया। उनकी स्टडी के लिए आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स डाल दिए गए। आपको 4 साल का टर्म दिया गया है। ये आप देखिए कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, हालांकि जो भी कह सकते हैं जो जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी बोल रहे हैं कि देखिए ये जो सर्विस है 4 साल ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपने रशिया यूक्रेन के युद्ध में देखा होगा कि रशिया के पास काफ़ी सोल्जर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, लेकिन एक छोटे से रशिया को, यूक्रेन को वो पार नहीं कर पाया। तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसा मोरल पे इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का। बट देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मॉडर्न करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन स्टेप बाई स्टेप किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो भी बड़े डिफेंस फोर्सेस वाले देश हैं वो अपने यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम जैसी स्कीम्स है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो डिफेंस फोर्सेस में भर्ती करने की परंपरा है, वो अपने यहाँ पे कैसे करते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को ये भी पता चले कि
आप जो अग्निपथ स्कीम है हमारे देश में वो दूसरे देशों में किस किस टाइप से होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो देखिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।